दोस्तों, अगर आप बड़ोदरा में मौजूद सयाजी बॉग हेल्थ म्यूजियम घूमने गए होंगे तो शायद आपने भी वहां पर मौजूद एक 1200 किलो का पत्थर जरूर देखा होगा, जो कि काफी सालों से इस म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस पत्थर का म्यूजियम से क्या ताल्लुक है और इस पत्थर में ऐसी क्या खास बात है जो कि इतने सालों से इसे म्यूजियम के अंदर संभाल कर रखा गया है। तो आपको बता दें कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, क्योंकि इस पत्थर के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में ये उकेरा गया है कि 23 दिसंबर साल 1902 को गुलाम मोहम्मद बख्श इसे उठाकर कुछ दूरी तक चले थे। अब दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब तो जरूर हो रहा होगा कि भला एक आदमी 1200 किलो के पत्थर को अकेला कैसे उठा सकता है। तो आपको बता दें, गुलाम मोहम्मद बख्श कोई मामूली आदमी नहीं थे, बल्कि वो एक पहलवान थे। वही पहलवान जिन्हें आज के टाइम पर हम द ग्रेट गामा पहलवान के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, गामा पहलवान ने अपने सारे जीवन में करीब 5000 से भी ज्यादा कुश्तियां लड़ी थीं, लेकिन वो एक भी कुश्ती कभी भी नहीं हारे थे। गामा पहलवान अपनी इसी खूबी के कारण कुश्ती के इतने मशहूर विजेता हो गए थे कि अब उनके विरोधियों को भी ये समझ में आने लगा था कि गामा पहलवान से कुश्ती लड़ने का मतलब सीधे हार ही होती है। समय के साथ साथ गामा पहलवान कुश्ती के इतने मशहूर खिलाड़ी बन गए थे कि मार्शल आर्ट के गुरु कहे जाने वाले ब्रूस ली भी उनके बहुत बड़े फैन हो गए थे। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मोहम्मद गुलाम नाम के एक शख्स ने द ग्रेट गामा पहलवान बनने तक का सफर तय किया। दोस्तों, कुश्ती के सबसे मशहूर विजेता कहे जाने वाले गामा पहलवान का जन्म 22 मई साल 1878 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद अजीज था और वो भी अमृतसर के एक मशहूर पहलवान थे। यानी दोस्तों, आप भी ये कह सकते हैं कि गामा पहलवान को कुश्ती लड़ने का शौक अपने परिवार से ही लगा था। गामा पहलवान ने अपना पहला और सबसे बड़ा मुकाबला साल 1888 में लड़ा था, जब वो मात्र 10 साल के बच्चे थे। ऐसा बताया जाता है कि गामा पहलवान कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान के जोधपुर जिले में गए थे, जहां एक से एक महारथी इस कुश्ती को जीतने के लिए आए हुए थे। जब गामा पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में पहुंचे तो सभी लोग उन्हें देखकर भौचक्के रह गए और सोचने लगे कि कैसे एक बच्चा अपने से दुगुनी उम्र के पहलवानों से कुश्ती लड़ने के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने आया है। शुरुआत में तो गामा पहलवान को इस कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से भी साफ मना कर दिया गया था, क्योंकि सभी पहलवान ये सोच रहे थे कि कुश्ती लड़ते वक्त कहीं गामा पहलवान घायल ना हो जाए। लेकिन जब गामा पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए काफी ज्यादा जिद करने लगे तो उन्हें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने दिया गया। और जब कुश्ती का यह मुकाबला शुरू हुआ तो सभी लोग गामा पहलवान की कुश्ती देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में गामा पहलवान ने कई मशहूर पहलवानों को धूल चटा दी थी। इस कुश्ती को देखने के लिए जोधपुर के राजा भी आए हुए थे। जब उन्होंने गामा पहलवान के कुश्ती लड़ने के अंदाज को देखा तो वो उनसे काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने गामा पहलवान को कुश्ती का सबसे बड़ा विजेता भी घोषित किया। इसके बाद गामा पहलवान ने अपने आस पास होने वाली कई कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उन्हें भी जीता और इससे वो अपने आसपास के राज्यों में कुश्ती के लिए सबसे मशहूर खिलाड़ी के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। लेकिन दोस्तों, गामा पहलवान को अपनी असली पहचान तब मिली जब उन्होंने साल 1895 में भारत के सबसे मशहूर पहलवान रुस्तम ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध रहीम बख्श को कुश्ती के लिए चुनौती दे दी। दोस्तों, जब गामा पहलवान ने रहीम बख्श को कुश्ती के लिए चुनौती दी थी तो वहां मौजूद सभी लोग उनका खूब मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि रहीम बख्श उस समय देश के सबसे मशहूर और ताकतवर पहलवानों में से एक थे और इन्होंने कई विदेशी पहलवानों को भी धूल चटाई हुई थी। उस समय प्रतियोगिता में मौजूद सभी लोगों को ये लग रहा था कि गामा पहलवान ये मुकाबला जल्द ही हारने वाले हैं, क्योंकि रहीम बख्श गामा पहलवान से कदकाठी में भी बहुत बड़े थे। जहां रहीम बख्श की लंबाई 6 फीट 9 इंच थी, वहीं गामा पहलवान सिर्फ 5 फीट 7 इंच के ही थे। लेकिन जब दोनों पहलवानों ने अखाड़े के अंदर कुश्ती लड़ना शुरू किया तो यह मुकाबला कई घंटों तक चलता रहा, लेकिन कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर इस मुकाबले में कौन जीतेगा। और उस प्रतियोगिता में मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि कैसे एक 17 साल का लड़का भारत के सबसे मशहूर कुश्तीबाज कहे जाने वाले रहीम बख्श को धूल चटा रहा है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी इस मुकाबले का कोई भी नतीजा नहीं निकला और दोनों के बीच लड़ा गया ये मैच ड्रॉ हो गया।
दोस्तों गामा पहलवान भले ही इस मुकाबले में रहीम बख्स को हरा नहीं पाए, लेकिन इस मुकाबले से वो पूरे भारत में मशहूर हो गए थे। और उसके बाद गामा पहलवान ने कई बड़े बड़े पहलवानों के साथ भी कुश्ती लड़ी, लेकिन इतनी कुश्ती लड़ने के बावजूद उन्हें कभी भी किसी प्रतियोगिता में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। गामा पहलवान अपनी इसी काबिलियत के कारण सभी पहलवानों में सबसे अलग पहचाने जाते थे। दोस्तों कई बार तो जब खिलाड़ियों को ये पता चलता था कि उनका मुकाबला गामा पहलवान से होने वाला है, तो वो मुकाबला लड़ने के लिए अखाड़े में ही नहीं आते थे। और एक समय तो ऐसा भी आया था जब भारत में गामा पहलवान से कुश्ती लड़ने के लिए उनके सामने कोई विरोधी ही नहीं बचा था। इसके बाद गामा पहलवान ने यह फैसला किया कि वो भारत के अलावा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी कुश्ती का मुकाबला लड़ेंगे। अपने सपने को पूरा करने के लिए गामा पहलवान ब्रिटेन पहुंचे, लेकिन यहाँ पर गामा पहलवान की लंबाई कम होने की वजह से उनकी काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया गया और उन्हें दूसरे लंबे पहलवानों से कुश्ती लड़ने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन गामा पहलवान ने हार नहीं मानी और उसी जगह पूरी दुनिया के सबसे मशहूर पहलवान स्टैनिस्लॉस जेबिस्को को कुश्ती लड़ने के लिए चुनौती दे डाली। स्टैनिस्लॉस जेबिस्को ने भी गामा पहलवान की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसके बाद 10 सितंबर साल 1910 को गामा पहलवान और स्टैनिस्लॉस के बीच एक कड़ा मुकाबला हुआ। काफी घंटे बीत जाने के बावजूद भी ये मुकाबला चलता रहा और आखिर में ये मैच भी ड्रॉ हो गया। लेकिन गामा पहलवान की इस काबिलियत को देखकर सबके सब हैरान रह गए कि कैसे कुछ समय पहले जिस लड़के को अपने देश में भी कोई नहीं जानता था, और आज वही लड़का दुनिया के सबसे मशहूर पहलवान के तौर पर शुमार है। इसके बाद भी गामा पहलवान और स्टैनिस्लॉस जेबिस्की के बीच एक कुश्ती का मुकाबला तय किया गया, जिससे इन दोनों में कुश्ती का सबसे काबिल विजेता घोषित किया जा सके। लेकिन इस बार स्टैनिस्लॉस ने गामा पहलवान से कुश्ती का मुकाबला लड़ने से ही मना कर दिया। फिर इसके बाद गामा पहलवान को ही दुनिया का सबसे बड़ा कुश्ती का विजेता घोषित कर दिया गया। उसके बाद गामा पहलवान ने एक के बाद एक कई विदेशी पहलवानों को धूल चटाकर बड़े बड़े खिताब अपने नाम किए। लेकिन दोस्तों अब दुनिया में केवल एक ही पहलवान बचा था जिसे गामा पहलवान अभी तक नहीं हरा पाए थे, और वो था रुस्तम-ए-हिंद उर्फ रहीम बख्श, क्योंकि इनसे जो पहले गामा पहलवान का मुकाबला हुआ था वो बेनतीजा रहा था। फिर साल 1911 में इन दोनों पहलवानों के बीच एक और मुकाबला तय किया गया, लेकिन इस बार गामा पहलवान ने रुस्तम-ए-हिंद को काफी आसानी से हरा दिया था। और ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तक रुस्तम-ए-हिंद की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। रुस्तम-ए-हिंद को हराने के बाद गामा पहलवान ने कुश्ती लड़ना काफी कम कर दिया था और उन्होंने अपनी सबसे आखिरी कुश्ती साल 1927 में स्वीडन के पहलवान जेम्स पेटरसन से लड़ी थी। लेकिन जब गामा पहलवान ने इस कुश्ती को लड़ा था तो वो 52 के हो चुके थे, फिर भी उन्होंने इस कुश्ती के मुकाबले को जीत लिया था। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि गामा पहलवान के इतने ताकतवर होने का राज क्या था, यानी वो अपने खुराक में क्या क्या लेते थे और किस तरह से अपनी ट्रेनिंग किया करते थे। कई रिपोर्ट्स और पुराने अखबारों की खबरों के मुताबिक ये बताया जाता है कि गामा पहलवान अपने शरीर को इतना ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एक बड़े डाइट प्लान को अपनाते थे, जिसमें वो रोज 15 लीटर दूध, 3 किलो मक्खन, 9 किलो बादाम, 3 टोकरी फलों का नाश्ता करते थे, और इसके साथ वो अपने खाने में रोजाना 6 देसी मुर्गे और 0.5 किलो घी के साथ 100 रोटी खाया करते थे। दोस्तों गामा पहलवान के इस खुराक को जानने के बाद बड़े बड़े पहलवान आज भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, क्योंकि इतना सारा खाना किसी मामूली पहलवान के लिए पचा पाना मुमकिन ही नहीं है। इसके अलावा ये बताया जाता है कि गामा पहलवान अपनी ट्रेनिंग पत्थर के एक भारी डंबल से किया करते थे, और जब फेमस मार्शल आर्ट ब्रूसली ने गामा पहलवान की बॉडी को देखा तो वो भी उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे और उन्हीं के साथ कसरत भी किया करते थे। कहा जाता है कि गामा पहलवान अपनी ट्रेनिंग के दौरान 5000 सेटअप्स और 3000 पुशअप्स मारा करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो गामा पहलवान ने अपने रहने के लिए पाकिस्तान को चुना था, और इसी वजह से गामा पहलवान को अपने आखिरी समय में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। अपने आखिरी समय में गामा पहलवान कई बीमारियों से ग्रसित हो गए थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी उस समय बेहद खराब हो गई थी। फिर 23 मई 1960 को 82 साल के गामा पहलवान ने पाकिस्तान के लाहौर में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों इतना सब जानने के बाद गामा पहलवान के बारे में जानकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।